सी पार्ट में फर्स्ट स्टेप यही है कि आप रिएक्शन लिखो, ठीक है? तो ये रिएक्शन ही लिख देते हैं हम दोबारा से, H3PO4 plus NaOH and it gives you NaH2PO4, ये हटा देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं। 1:1 मोलर रेशियो का इसमें वो है। अब क्या करना है, ये तो फिक्स है कि ये 1 मिली मोल है, ठीक है? और NaOH अब वॉल्यूम 50 होने की वजह से कितना हो गया, 1.5 मिली मोल। अब देखिए जब ये रिएक्ट हो जाएगा तो ये जीरो बचेगा और ये बचेगा 0.5 मिली मोल, और इनिशियली तो ये क्या होगा, जीरो, बट फाइनली जब एसिड बेस रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो ये 0.5 बचेगा और ये बचेगा 1 मिली मोल, ठीक है? नाउ सॉल्यूशन में NaH2PO4, अभी देखो अभी कहानी बाकी है, क्यों? क्योंकि अभी भी क्या प्रेजेंट है, एसिड और बेस प्रेजेंट है, यस और नो? क्यों? क्योंकि जो NaH2PO4 है वो क्या है, ऐसे एसिड है, इसके पास एच प्लस है, ऐसे और NaOH पे क्या है, बेस है। फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, ये क्या बनाएगा, Na2HPO4 plus H2, ठीक है? तो अगेन अब जो अब तक पहले दो पार्ट में किया था, अब कहानी यहां से शुरू होगी। 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल, अब 1 मिली मोल जो ऊपर बना है वो कंसंट्रेशन हम यहां लिख देंगे, 1 मिली मोल, और ऊपर जो NaOH 0.5 बचा हुआ है उसको हम यहां लिख देंगे, और फिर रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो 1 में से 0.5 गया तो ये कितना बचा, 0.5 मिली मोल, ये हो गया जीरो, कंप्लीट रिएक्शन हो गई NaOH की, और ये क्या बचा, 0.5 मिली मोल। अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, नाउ सॉल्यूशन हैज, यू कैन से H2PO4 इज अ वीक एसिड एंड सॉल्यूशन हैज सॉल्ट। तो जब भी सॉल्यूशन में एसिड और सॉल्ट दोनों एसिड प्रेजेंट होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, एसिडिक बफर। बफर एसिडिक बफर का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है? चलो फिर करो इस क्वेश्चन को, आंसर बताओ इस क्वेश्चन का मेरे को फटाफट सॉल्व करके कि इसका तो आंसर इसमें क्या जो आ रहा है। के, हाँ बोलो, इसमें के लेंगे वो के 1 प्लस के 2 लेंगे, यही तो पूछना है मेरे को कि के क्या लोगे यहाँ पे, क्योंकि यही यही सोचना था के ए एक्चुअली। वन इंटू के 2, नहीं, के 1 इसमें इंटू देखो इसमें क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो सिर्फ ये वाला स्टेप हो रहा है, कौन सा, कि H2PO4 जो है वो H प्लस लूज करके HPO4 2- में चेंज हो रहा है, मतलब वी हैव टू यूज, मतलब हमें क्या यूज करना है, ओनली Ka2, क्योंकि यही तो हो रहा है इस रिएक्शन में। तो आप क्या करोगे, के Ka2, तो जो फॉर्मूला होगा उसमें एसिडिक क्यों? बफर के फॉर्मूले में, लेकिन सर पहले पहले तो H3PO4 ही था ना, हाँ तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना इस बफर में, अच्छा ठीक है। ठीक है? मेन तो अगर देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन स्टेप देखो इसका, अगर H3PO4 ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है NaOH से तब तो रोल आता उसका, लेकिन रिएक्शन जो बफर बन रहा है वो तो बेसिकली इस रिएक्शन की वजह से बन रहा है ना, तो बस H2PO4 जो है वो लूज करेगा H प्लस, HPO4- बनाएगा, इसी के हिसाब से देखना, ठीक है? तो बस सबको बार बार यही ध्यान रखना है कि बफर कब यूज करेंगे फॉर्मूला बफर का, जब सॉल्ट और वीक एसिड दोनों प्रेजेंट हो। खैर अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो अब तो आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, ये तो log 1 0 हो जाएगा। यहाँ से आप एक और चीज भी मतलब कंक्लूड कर सकते हो कि pH इज इक्वल टू pKa2, मतलब 8, क्वेश्चन का Ka10 इज -4 -8 गिवन है, तो यहाँ से ये भी कई बार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट में ये भी आ जाता है, मेंस और नीट दोनों में स्टेटमेंट कि pH ऑफ एसिडिक बफर इज इक्वल टू pKa एट हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट। हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है,
जब रिएक्शन आधी हो रिएक्ट होगी, तो इसमें देखा जाएगा हाफ ही तो रिएक्ट हो रही है, 1 मोल जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, हाफ से तो रिएक्शन 50% हुई है, तो इस केस में ये, तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखना सभी, ये डायरेक्ट एज अ वो भी आ सकते हैं। तो नाउ ट्राई डी पार्ट। डी पार्ट में एनओएच का वॉल्यूम 20 ml हो गया है, कितना हो गया 20, तो डी पार्ट ट्राई करिए, ट्राई पार्ट डी। मैं इक्वेशन ऑलवेज, पहला स्टेप तो ये होगा कि आप इक्वेशन लिखेंगे, तो मैं इक्वेशन फटाफट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन दिखाना सर। क्वेश्चन भी देखो। रहेगा और सॉल्ट। हाँ, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि ये 1 mmol है, और क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो 20 ml है, तो 20 हो गया, 30 हो गया, 20 है, तो 2 mmol हो गया। तो 1 mmol 2 mmol से रिएक्ट करेगा, तो फाइनली क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया 0 और ये बच गया NaOH 1 mmol, और NaH2PO4 बना 1 mmol। अब दोबारा अगले स्टेप में हम इनिशियली जाएंगे, ठीक है, तो ये 1 mmol है और NaOH भी कितना है 1 mmol। बस एसिड बेस की रिएक्शन भगवान नहीं रोक पाएंगे, तो ये रिएक्शन होकर रहेगी, तो फाइनली क्या होगा 0 0 और ये क्या आ गया 1 mmol, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस पे आ ही नहीं रहा। हाँ, ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा, रुपए yes, तो 1 mmol Na2HPO4 बच गया। बट अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो एम्फीप्रोटिक, ये एम्फीप्रोटिक है, क्योंकि जो HPO4 2- है वो H+ गेन भी कर सकता है, और ये Na2HPO4- पे आए हैं। अच्छा ठीक है, तो HPO4 2- और H2PO4-, ओके ठीक है, तो ये हमारा जो बना है सॉल्यूशन HPO4 2-, ये H+ गेन भी कर सकता है और H+ लूज भी कर सकता है। तो लूज वाली इक्वेशन लिख देता हूँ, ये हमने गलत लिखी, अगर ये लूज करेगा HPO4 2-, अगर ये H+ लूज करेगा तो क्या बनाएगा, PO4 3-, इसका मतलब K3 और K2 यूज होगा इसमें, ठीक है, तो इस इक्वेशन का कोई भी यूज नहीं है, तो इस इक्वेशन को छोड़ देते हैं, फिर हटा देते हैं। और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, फॉर्मूला इज pH इज इक्वल टू, होता तो pKa1 + pKa2 है, बट अब यहाँ पे pKa2 + pKa3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये यूज हो रहा है, तो 12 है और एक 8 है आई गेस, है ना, तो ये आंसर आ गया 10, ठीक है। तो सी और डी पार्ट खुद कर लोगे, सॉरी सी और डी तो मैंने ही करवाया, ई और एफ वाला पार्ट आप ट्राई करके मुझे इसका आंसर भेज देना, ई और एफ पार्ट, क्लियर है सभी को, ई और एफ आंसर। नहीं सर, इसमें के 3 कौन से आ गया, क्योंकि थर्ड स्टेप यूज हो रहा है ना, वाला है ना, कहां हो रहा है, 1 mol खत्म तो हो गया, HPO4 2- जो है जब वो H+ लूज कर सकता है तो किसमें चेंज होगा, PO4 3- में, तो ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप क्या है, दिस स्टेप इज K3, सी ये K3 है, वो H+ लूज क्यों करेगा, वो तो H+ लूज तब करेगा ना जब बेस होगा, नहीं ये इसकी प्रॉपर्टी, मतलब ये गेन भी कर सकता है और ये लूज भी कर सकता है सॉल्यूशन में, जब ये अकेला होगा तो ये दोनों काम करेगा, वाटर से H+ लेगा भी और वाटर को H+ देगा भी, दोनों बिहेवियर शो। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब दो क्वेश्चन है तुम्हारा, होमवर्क है, मुझे करके भेज देना जिससे मुझे थोड़ा पता चले, एक तो इसका तुम्हें ई और एफ पार्ट करना है, दूसरा तुम्हें बताना है नंबर ऑफ बफर्स, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ H3PO4 विद NaOH,
एज्यूम करना है कि रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो रही है, कोई भी एक्सेस अमाउंट में नहीं है, इतना है कि H3PO4 की रिएक्शन पूरा लास्ट तक हो सकती है, तो कितने बफर बनेंगे। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर 0.1 से 99.9 तक कुछ भी आप गेस कर सकते हैं, तो एक तो ये याद रखना है। ठीक है, नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का तो मैं बोलूंगा कि ये जो समझा रहा हूँ मैं, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, पिछले 5 साल से वो इससे अलावा कुछ पूछ ही नहीं रहे दो चीजों के अलावा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो कंसेप्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, इट इज एप्लीकेबल फॉर पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। किसके लिए एप्लीकेबल है? पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। ठीक है, फिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो 11th का याद होगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से डिनोट करते हैं, तो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। और इट इज इट शोज या कि और KSP इज डिफाइंड एट सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड मतलब जब मैक्सिमम जितना सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है वो सारा डिसॉल्व है, तो हम उसे बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। पार्शियल कंडीशन नहीं है, इसमें भी वही है। अगर जैसे QC और KC होता था, QC होता है प्रोडक्ट ऑफ रेशियो बाय रिएक्टेंट एट प्रोडक्ट एनी कंसेंट्रेशन, ऐसे यहाँ पे क्या है जो KC होता था वो यहाँ पे KSP है। ठीक है, और जो उधर QC होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो यहाँ पे KIP है, आयनिक प्रोडक्ट। तो KIP इज आयनिक प्रोडक्ट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन और कंडीशन। बट वट इज KSP? KSP क्या होता है? एट सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड पे हो। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैडमियम क्लोराइड इज अ पार्शली सोल्यूबल सॉल्ट। कैडमियम क्लोराइड जो है सॉलिड होगा, पार्शली सोल्यूबल सॉल्ट है, वाटर में डालते हैं तो कुछ पार्ट इसका आयनाइज होगा +2Cl-, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्ट की। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी अगर कैडमियम की 2+ की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसको S अब मानेंगे और ये क्या मानेंगे? 2S। अब क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये वाला मेंस में नहीं आया, नीट में बहुत आया। क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है वो है S और क्लोराइड आयन के लिए 2S। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ कैडमियम 2+ कंसेंट्रेशन, कैडमियम 2+ कंसेंट्रेशन में सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की कितनी है? तो देखा जाए S, और क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन के लिए पूछा है तो सॉल्युबिलिटी क्या है? 2S। तो सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करनी है इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन की टर्म में अगर आपको सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखोगे? तो ध्यान रखना कि इन दैट केस योर आंसर शुड बी 2S। क्या होगा? 2S होगा। अच्छा सर 2S हो गया, और सर आप इसे भी सॉल्युबिलिटी बोल रहे हो, इसे भी सॉल्युबिलिटी बोल रहे थे, गलत हो गया? बोलो यस और नो। एक ही सॉल्ट के लिए 2 सॉल्युबिलिटी आ गई ना, बोलो यस सर। पहले तो ये क्लियर है ना, S इज सॉल्युबिलिटी, यानी क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी का 2x है। अब वो यहां से अगर ये मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को, कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज 2x ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, यस और नो? ठीक है, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, तो मैं बोलूंगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट जो होगा वो होगा क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का 1/2। बोलो करेक्ट है या नहीं है? Yes, sir. और फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन, तो इट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ Cd2+। यहां तक जिसे जो डाउट है पूछ लो, क्योंकि ये शुरुआत है और जो जो चीजें मैंने बताई है उसके बाद यहां तक पहुंचे। S सॉल्युबिलिटी है, यानी कि इसमें ध्यान रखना है जो S है ये कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयन है, और 2S है कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ये बिल्कुल वैसा ही मोलर रेशियो फॉर्म कर रहा है जैसे वाटर में ये फॉर्म करता है कि अगर ये 1 मोल होगा तो डिसोशिएट हो गए कैडमियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ कैडमियम 2+ देगा और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। अब ये पूरा तो डिसॉल्व नहीं हो रहा,
कैडमियम क्लोराइड, तो हम मान रहे हैं कैडमियम क्लोराइड जितना डिजोल्व हो रहा है वो एस है, तो रेड रेड कलर से जो लिख रहा हूँ वो, तो अगर ये एस है कैडमियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी, तो एस को जब तोड़ा तो कैडमियम आयन की कंसेंट्रेशन भी एस आई और टू ऑफ सी एल की भी टू एस आई, तो बेसिकली सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एस है, तो अब हम उसे कंसेंट्रेशन ऑफ आयन से कनेक्ट कर रहे हैं, कैडमियम क्लोराइड भी एस है और कैडमियम टू प्लस भी एस है, तो हमने बोल दिया सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमियम टू प्लस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ कैडमियम टू प्लस, बट जो सॉल्युबिलिटी कैडमियम सॉल्ट की है क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन उससे डबल है, तो यानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा क्लोराइड आयन का हाफ, तो इसलिए मैंने उसे ये बोल दिया। बोलो कोई डाउट है इसमें? तो ये वाला क्वेश्चन तो नीट में आया था, अब ये क्वेश्चन जो उसमें आया था आईआईटी में उसका एक स्टेप करवाता हूँ मेंस में, वैसे तो एडवांस में आया था, एडवांस में एक्चुअली ना इसी स्टेप को यूज करके आगे एक बड़ा क्वेश्चन बनाया था आईआईटी एडवांस में, तो मैं पहले इसका सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन था सी ए एफ टू सॉल्ट है, ठीक है, तो राइट इट्स सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फ्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, फ्लोराइड आयन की फॉर्म में सॉल्युबिलिटी ऑफ सी एफ टू लिखना है, बताओ ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफ नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू एफ माइनस सी पार्ट एफ माइनस का हाफ डी पार्ट एफ माइनस का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आंसर होगा F-2. ये तो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया तो बता दिया तुमने, बट इसे कंसेप्ट को दिमाग में रखना, सोचना बाद में और थोड़ा देखना कि आप इसे कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है, क्लियर है सभी को, यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें, ये भी ये नीट और मेंस दोनों में आ चुका है, ये वाला भी देखो कितना रिपीटिशन है, मतलब इसमें नीट और मेंस में क्वेश्चन है, कैडमियम क्लोराइड सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है कैडमियम 2 प्लस और 2 सीएल माइनस में, ठीक है, तो केएसपी का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, एबीसीडी में वैसे यूज कर रहा हूँ तो इसको फर्स्ट ऑप्शन लिख देता हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन है केएसपी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, सेकेंड ऑप्शन है KSP is equal to concentration of cadmium 2 plus into concentration of 2 Cl minus. Third option है KSP is equal to concentration of cadmium 2 plus into concentration of 2 Cl minus का square. Fourth option है KSP is equal to concentration of cadmium 2 plus into concentration of chloride ion का square. बताइए out of ABCD क्या answer है? कौन सा थ्री? थर्ड किस किस का थर्ड है? रेज हैंड का भी ऑप्शन है इसमें, पता है आप लोगों को? चलो कोई नहीं, बोल दो फटाफट किस किस का थर्ड है, तो जैसे आप रेज हैंड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा जयश्री रेज हैंड, थर्ड जयश्री का है, और एक और आ गया कहां से, तो ठीक है दो लोगों ने हाँ बोल दिया, और थ्री पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड, तो तीन लोगों का जयश्री संजना सोनाक्षी श्रेया इनका क्या कहते हैं थर्ड है, मोनिका तुम्हारा क्या है? अब हाथ नीचे भी कर लो, अगली बार काम आएगा, नीचे भी करना होता है उसको, मोनिका का भी यही आंसर है थर्ड, ओके, तो अगर एक करोड़ रुपए का सवाल है तो क्या आप करोड़पति बन पाते? तो स्नेहा का कोई जवाब, अच्छा हाँ स्नेहा तो ऑडियो यूज कर रही है, हाँ तो स्नेहा आप फोन अ फ्रेंड कर सकते हो, मतलब फोन अ टीचर, और बताओ जरा इसका क्या आंसर है? टू शायद, शायद क्या? टू टू, ओके लेट्स सी, तो हमारे पास दो जवाब आए हैं, ए टू और थ्री, तो देखो आप सभी को मिलता है माइनस वन, क्या है कि जो कंसेंट्रेशन है कैडमियम आयन और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा फोर, ठीक है, इट्स आंसर इज फोर, इसका आंसर फोर इसलिए क्योंकि क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन लिखते हैं हम, तो
तो देखिए p रेज टू p की पावर q, qp एक फॉर्मूला है जैसे Al2O3 है, तो अगर ये आयनाइज होगा तो ये ऐसे आयनाइज होगा p q टाइम्स ऑफ p, और जो p के ऊपर पावर चार्ज आएगा वो आएगा p प्लस एक्वस, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद जो q होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा p टाइम्स, और इस पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा q माइनस, ये भी क्या होगा एक्वस। अब अगर KSP पूछा है तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, अगर कोई ऑप्शन ऐसा गिवन है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p रेज टू पावर p प्लस का पावर q, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ q रेज टू पावर q माइनस का पावर p, तो आंसर ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में ऑप्शन सॉल्युबिलिटी की टर्म में है, तो अगर सॉल्युबिलिटी की टर्म में है तो आप देखिए अगर ये जो सॉल्ट है इसकी सॉल्युबिलिटी s होगी तो जो p होगा वो कितनी कंसंट्रेशन होगा qs, और ये होगा ps क्योंकि इसका रेशियो 1 है, तो 1 मोल कितने मोल्स दे रहे हैं q, तो इसे qs लिख दे इसे ps। बोलो कोई डाउट है इसमें किसी को? तो अब हमने क्या लिखा, ksp का वैल्यू ऐड किया इसमें, तो p की कंसंट्रेशन कितनी है। अब देखो मैं q ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख रहा हूं, आप इस चीज पे फोकस करिए कि मैं q को जो है वो यहां पे नहीं लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और ना मैंने यहाँ पे p लिखा है ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ क्या रहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p और q। इसी से समझ आता है कि जो लास्ट है उसका फोर्थ ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि जब हम सिर्फ कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें कोफिशियंट का रोल नहीं रहता। क्लोराइड आयन की जो भी कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में 4 मोलर 2 मोलर, वो 2 रेशियो तो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट है, जो 2 रेशियो है क्लोराइड आयन का विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये हो जाएगा q टाइम ऑफ s की पावर q, और q की कंसंट्रेशन क्या है ps की पावर p। तो अब आप इसे सॉल्व करिए, q रेज टू पावर q इंटू p रेज टू पावर p इंटू s रेज टू पावर q इंटू s रेज टू पावर p, तो ये हो गया q रेज टू पावर q p रेज टू पावर p s रेज टू पावर p प्लस q, दैट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, और अपॉन अपॉन s भी तो आएगा, अपॉन s क्यों सॉलिड है इसलिए नहीं आएगा। हाँ वो तो कभी भी नहीं लिखते उसको, तो यही आंसर है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नहीं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि वी हैव अ सॉल्ट A2B3 सॉल्ट है, सॉल्युबिलिटी S है, सॉल्युबिलिटी S, फाइंड KSP। तो इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, मुझे लगता है जनरली ये क्वेश्चन तो बच्चे को आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे ट्राई करते हैं। तो A2B3 जो है वो सॉलिड है, उसको मैंने आयनाइज कर दिया 2 times of A 3+ एंड 3 times of B 2-। इस क्वेश्चन को करवाने का ही पर्पज है ताकि डी पार्ट में मैंने क्यू और पी को कैसे कैसे चेंज किया, आप समझ सको कि जो नीचे 2 था वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ए, और जो B के पास 3 था वो रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज होने। ऐसे ही मैंने पी क्यू क्यू पी को भी ब्रेक किया है, क्योंकि अभी नहीं समझ आ रहा, वो बाय चांस रिपीट करोगे आप घर पे ट्राई करोगे तो पूछ लेना। तो इसका सॉल्युबिलिटी हो गया 2s, इसका सॉल्युबिलिटी हो गया 3s। तो व्हाट इज योर KSP? KSP इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3+ का स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2- का क्यूब। अगेन देखिए मैंने इस इक्वेशन को ना तो 2 से मल्टीप्लाई किया ना 3 से, तो ये हो गया 2s का स्क्वायर इंटू में 3s का क्यूब। तो अब तो मैथ्स आना चाहिए, 2 2 4 3 3 3 3 3 9 27 27 into 4 108 S5, दैट इज योर आंसर। ये सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट F पार्ट है, सॉल्युबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो सॉल्युबिलिटी किसका हाई होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ विच सॉल्ट इज हायर। आपको सॉल्ट गिवन है, देखो एक ए बी सॉल्ट गिवन है जिसका KSP हमें दे रखा है 10 raised to power -12 ज्यादा हो गया -6, और एक सॉल्ट है हमारा AB3, ठीक है, और जिसका हमें KSP दे रखा है 27 into 10 raised to power 12,
बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, विच इज मोर सॉल्युबल। तो देखो केएसपी को देख के आप सॉल्युबिलिटी कभी भी नहीं बता सकते, आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी सॉल्युबिलिटी बताओ, मैं डायरेक्ट एस स्क्वायर और 27S4 लिख दूं तो सही है? यहां से सॉल्युबिलिटी निकालिए, ठीक है, और आंसर जैसे इधर से सॉल्युबिलिटी आ गया 10^-3 और इधर से सॉल्युबिलिटी आ गया 10^-3, तो बोथ सॉल्ट्स आर इक्वली सॉल्युबल, बोथ सॉल्ट्स आर इक्वली सॉल्युबल। तो केएसपी से कभी नहीं बताते, हमेशा सॉल्युबिलिटी से बताते हैं। लर्न दिस पॉइंट, सॉल्युबिलिटी प्रिडिक्ट वैल्यू ऑफ एस, ये लिखना ज्यादा करेक्ट है, वैल्यू ऑफ एस प्रिडिक्ट सॉल्युबिलिटी, नॉट केएसपी, ठीक है।